बाईपास मुल्तान रोड पर कैरी वैगन और हाईएस वैगन में तसादम हुआ है। कैरी डिब्बे में मौजूद ड्राइवर जहांबाग हो गया है, जबकि बताया जा रहा है कि 5 खवातीन समेत 10 अफराद भी जख्मी हुए हैं। मालूम करेंगे नुमाइंदा रोही राना चौकत से। राना चौकत, कहिएगा क्या तफसीलात हैं, जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है, कैसी हालत है उनकी? जी बिल्कुल, जलालपुर बाईपास मुल्तान रोड पर कैरी डिब्बा और मुसाफिर वैन के दरमियान तसादम हुआ है, जिसके नतीजे में कैरी डिब्बा ड्राइवर मोहम्मद रमजान मौके पर जहांबाग हो गया, जबकि जो 5 खवातीन समेत 10 अफराद जख्मी हो गए। जो रेस्क्यू ने फौरी तौर पर इमदाद फ्राहम करके जो जख्मी है उनको टीएच के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, और जो जख्मी है उनकी अब हालत के हवाले से अगर हम बात करें तो उनकी हालत जो है अभी वो बेहतर बताई जा रही है। जो जख्मी है उन्हें मोहम्मद यकूब, जहूर अहमद, असगर शाहनवाज यूनिस, नूर खातून, सादिया मई, कौसर बीबी, शाजिया और सुमेरा बीबी शामिल हैं। और इसमें जो अफसोसनाक बात है वो ये है कि जहांबाग का फरार शख्स और जो 6 जख्मी है जिनमें 3 खवातीन शामिल हैं, तो वो एक ही उनका ताल्लुक एक ही घराने से है, और वो जो उनकी रिहायश है वो फिजाबाद की रिहायशी बताए जा रहे हैं। जो हादसा पेश आया तो वो रेस्क्यू के मुताबिक तेज गाड़ी के तहत हादसा पेश आया, तारीख के बायस ये हादसा पेश आया है। बहुत शुक्रिया राना शाकर।